गणेश, यू आर वॉचिंग स्टेट टॉक्स। और दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सीतापुर रोड में, एलडीक्यू सिटी के अंदर। इसमें हम ट्विन टावर में सैंपल यूनिट देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये 133 एकड़ अप्रॉक्स की एक काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, जिसमें आके प्लॉट, विलाज एंड फ्लैट्स, कई फैमिली यहाँ पर ऑलरेडी शिफ्टेड है। 1000 प्लस फैमिली शिफ्टेड है। एलडी अप्रूव प्रोजेक्ट है, रजिस्टर्ड है और नेशनलाइज बैंकों में SBI से अप्रूव्ड है। तो इसी में ही अंडर कंस्ट्रक्शन में दोस्तों आपका ट्विन टावर, दो टावर बन रहा है, तो उसी को हम देखेंगे। आइए मैं आपको बाहर का एक्सटीरियर दिखाता हूँ, बाहर का कैसा क्या चल रहा है, तेरह मंडल चल के सैंपल देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अप्रूवल्स लगे हुए हैं बैंकों के। SBI अप्रूव्ड है, कैनरा अप्रूव्ड है, पंजाब नेशनल बैंक अप्रूव्ड है। ये आपका मेन एंट्रेंस हो जाएगा एलडीको का, ट्विन टावर्स का। सामने आपका साइट ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस। और एक रोड ये है आपकी, और एक रोड ये है, और आपको विलास भी डिलीवर्ड है। तो काफ़ी ग्रीन और पीसफुल एरिया है, ये टाउनशिप है ये। तो आइए चलते हैं आगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये दो टावर्स हैं, ट्विन टावर स्टील प्लस 11 है। तो एक में 10th फ्लोर तक और एक में 7th फ्लोर तक वर्क हो चुका है दोस्तों। तो इनके जो नाम हैं, अपोलो हैं और आर्टेमिस हैं, ग्रीक मैथोलॉजी इनके नहीं पता है। सिर्फ दो टावर हैं, स्टील प्लस 11 और मॉडर्न एमिटीज आपको यहाँ दी जाती हैं। ये ग्रीन पार्क है, तो ये ट्विन टावर एलडीको सिटी, SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है दोस्तों, रजिस्टर्ड है। तो आइए चलते हैं सैंपल को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं 1755 स्क्वायर फीट में 3BHK एलडीको ट्विन टावर में। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइडर आपका एंट्री स्पेस है। जब आप एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। एंट्री करते ही कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ड्राइंग कम डाइनिंग देखने को मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स आपका 21x11 का है। एंट्री करते ही यहाँ पे आपको एक बालकनी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी स्पेशियस है, ये देख सकते हैं। काफी खूबसूरत लेआउट है। यहाँ पे आपका किचन है, डिस्क्लेमर कर दूं, यहाँ पे जो भी आप चीज़ देख रहे हैं फ्लैट में, ये इंटीरियर का पार्ट है डेकोरेशन का, तो ये फ्लैट आपको अनफर्निश है, रॉ मिलेगा। किचन से ये आपका यूटिलिटी स्पेस हो गया। यहाँ पे आपका टैब और सिंक, स्टैंडर्ड साइज है किचन का दोस्तों 3BHK में। और यहाँ पे आप डाइनिंग का स्पेस। आइए चलते हैं आगे बेडरूम्स की तरफ। तो हमने वहाँ पे ड्राइंग, डाइनिंग और एक अपनी बालकनी, वहाँ पे किचन, और वहाँ से हमने एक्सेस किया था, देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला बेडरूम। अच्छी सीलिंग हाइट है, काफ़ी अच्छी सीलिंग भी नहीं, यहाँ पे इंटीरियर क्या हुआ है। अप्रॉक्स जो साइज इसका 11x11 है दोस्तों।
यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम, आपको कुछ इस तरह से वार्डरोब का हॉलो स्पेस देखने को मिलेगा, अच्छी डेप्थ है वार्डरोब की। और यहाँ पर आपको एक कॉमन रनिंग बालकनी देखने को मिलेगी, दोनों बेडरूम से कनेक्ट करती है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी रनिंग बालकनी है। और ये प्रोजेक्ट आपका SBI से भी अप्रूव्ड है, पंजाब नेशनल बैंक या अदर बैंक को साथ के अप्रूव्ड है, अगर आप स्टाफ हैं बड़े SBI में पंजाब में तो आपके लिए इजी रहता है होम लोन लेने के लिए अपने ही स्टाफ से, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट पे मिल जाए। एंड ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, रजिस्टर्ड है दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके कॉमन वॉशरूम देखने को मिलेगा, आपका सेकेंड बेडरूम लगभग वही साइज है 11x11 अप्रॉक्स। तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर कर दूं, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई भी क्वेरी है डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे काफी खूबसूरत वार्डरोब कंपनी ने बनाया हुआ है, मैं कॉर्नर में आपको रूम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। कॉर्नर में खड़ा हूँ बालकनी के पास, आप देख सकते हैं रूम की डायमेंशन, आप टाइल्स को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं रूम साइज को। और ये आपकी बालकनी, कॉमन बालकनी जो दो रूम को कनेक्ट करती है, वो काफ़ी रनिंग स्पेशियस है। सामने आपके विलाज हैं एल्डिको के जो डिलीवर्ड है, फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है, 1000 से ज़्यादा फैमिली यहाँ पे रह रही है दोस्तों। आगे ग्रीन एरिया आपको देखने को मिल रहा है सामने। आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये तीसरा बेडरूम है, आपको यहाँ 2 BHK, 2 BHK स्टडी एंड 3 BHK के ऑप्शन देखने को मिलते हैं ट्विन टावर्स में। यहाँ पे कुछ इस तरह से चेयर्स रखा गया है, ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर आपका वार्डरोब का स्पेस है, ये वार्डरोब है यहाँ पर। और वो मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम, काफी अच्छा स्टैंडर्ड साइज और फिटिंग्स भी काफी अच्छी है, सहरा एंड जगवार की फिटिंग्स आप देख रहे हैं वॉशरूम में। क्योंकि बालकनी का पार्ट मुझे आपको दिखाना है, मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। इसका जो साइज है बेडरूम का वो 15x11 है दोस्तों अप्रॉक्स। और ये आपका बालकनी जो मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड है, सामने ग्रीन एरिया, ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं यहाँ पे इंडिको सिटी के अंदर दोस्तों। मैं रिवर्स में आपको लेआउट समझाता हूँ। ये मास्टर बेडरूम 1755 सुपर एरिया, मास्टर बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं, इस तरफ एक बेडरूम पड़ता है, ये मास्टर बेडरूम, ये कॉमन वॉशरूम, और यहाँ पर एक और बेडरूम आपका पड़ता है। तो दोनों रूम को एक कॉमन रनिंग बालकनी से अटैच किया गया है। और हम पीछे की तरफ आते हैं,
डाइनिंग एरिया, इस तरफ किचन, ये आपका ड्राइंग का स्पेस और वेंटिलेशन और लाइट के लिए वहाँ पर बालकनी, और यहाँ से आप स्टोर से एक्सेस करते हैं।